भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने दो पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने के पर्वत को सभी गांव वालों में बांट दो। और तभी अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और सभी को पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ देर बाद थक कर बैठ गए। और तभी कृष्ण ने कर्ण को बुलवाया और सोने को सभी में बांटने के लिए कहा। तभी कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों से कह दिया कि यह सारा सोना गांव वालों का ही है और वे सब इसे आपस में बांट लें। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता और इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है और उनकी प्रशंसा होती है। तो आइए ऐसे ही कुछ कर्ण के दानों के बारे में बात करते हैं। कर्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दान, उनके कवच और कुंडल। भगवान श्री कृष्ण यह बात भली भांति जानते थे कि कर्ण के पास जब तक उनका कवच और कुंडल है तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। और उधर देवराज इंद्र भी बहुत चिंतित थे क्योंकि उनका पुत्र अर्जुन था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों भली भांति यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल है तब तक वह युद्ध में अजय रहेगा। और ऐसे में दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और भगवान इंद्र एक ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास पहुंच गए। कर्ण हर रोज सूर्य देव की पूजा करता था और उस समय उससे जो भी कोई दान में चीज मांगता था वो उसे दे देता था। और तब इंद्र देव ने उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए और कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने कवच और कुंडल इंद्र देव को दान में दे दिए। और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कर्ण अगर उनके कवच और कुंडल इंद्र देव को दान में नहीं देता तो उन्हें हरा पाना किसी के लिए भी असंभव था। दानवीर कर्ण के दान यहीं खत्म नहीं होता। दानवीर कर्ण ने माता कुंती को चार पांडवों की जान का वचन दिया था। एक बार कुंती कर्ण के पास गईं और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया। कर्ण को यह बात मालूम थी कि कुंती उनकी माँ है। माता कुंती के लाग समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और उनसे कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया है उनके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। और तब माता कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने ही भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया। माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं आपको वचन देता हूँ माते कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने सभी भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कर्ण ने ऐसे माता कुंती को अपने चार भाइयों का दान दिया था। दानवीर कर्ण की दानशीलता यहीं खत्म नहीं होती। दानवीर कर्ण तो इतने बड़े दानवीर थे कि वो मरते मरते भी एक दान दे गए। आइए जानते हैं। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के भेष में दानवीर कर्ण के पास आए और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है और मुझे अभी तुमसे कुछ उपहार चाहिए। दानवीर कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता आप जो भी चाहें मांग लें। और ब्राह्मण देवता ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा सोना तो उनके दांत में ही है और आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं कायर नहीं हूँ कि तुम्हारा दांत तोड़ के तुम्हारा दांत ले लूँ। जिसके बाद कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत को स्वयं ही तोड़ लिया। लेकिन ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि आखिर खून से सना हुआ सोना मैं कैसे ले सकता हूँ। लेकिन कर्ण को तो दान देना ही था इसलिए उन्होंने अपना वाण उठाया और आसमान की तरफ चला दिया। जिसके बाद घंघोर बारिश होने लगी और उनका दांत धुल गया। जिसके बाद दानवीर कर्ण ने वो सोना दान में दिया। दोस्तों दानी थे दानवीर कर्ण। आप दानवीर कर्ण के बारे में क्या सोच रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको जानकारी पसंद आई हो और ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे हमारी सारी वीडियो आपके पास टाइम से आ सके। धन्यवाद।